नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के महत्वाकांक्षी ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत 6 नई ऑनलाइन सेवाओं का किया शुभारंभ। सीएम ई जनसुनवाई, सीएम अरुणाचल ई सेवा, सीएम डैशबोर्ड 2.0, ई प्रगति हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ई टेलीमेडिसिन पोर्टल को किया लॉन्च। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत किशन राव कराद ने ईटानगर में राज्यपाल केटी पन्नायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के रिमोट इलाकों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार और बैंक नेटवर्क को व्यापक बनाने के मुद्दे पर की चर्चा। पापुमपारे जिले के जोटे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज से अगले 3 दिनों तक चलने वाले कल्चरल फेस्टिवल अतुल्यम 2023 की हुई शुरुआत। फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म शूटिंग, क्विज प्रतियोगिता, फेस पेंटिंग सहित कई अन्य गतिविधियां की जाएगी आयोजित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के महत्वाकांक्षी ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत 6 नई ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नागरिक केंद्रीय सेवाओं एवं गवर्नेंस सेवाओं में सहूलियत के लिए इन ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सीएम ई जनसुनवाई, सीएम अरुणाचल ई सेवा, सीएम डैशबोर्ड 2.0, ई प्रगति हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ई टेलीमेडिसिन पोर्टल को लॉन्च किया। राज्य सरकार ने प्रस्तावित 22 ऑनलाइन सेवाओं में से अब तक 18 ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत कर दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 को ईयर ऑफ दी गवर्नेंस घोषित किया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवंत किशन राव कराद ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल केटी पन्नायक से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात में केंद्रीय ने राज्यपाल को अपनी 3 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश दौरे के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री श्री राव के साथ राज्य में वित्तीय से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत किशन राव कर्नाद ने आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अरुणाचल प्रदेश के रिमोट इलाकों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार और बैंक नेटवर्क को व्यापक बनाने के मुद्दे पर चर्चा की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने युवाओं को कारोबार शुरू करने के मौके मुहैया कराने के तरीकों पर भी चर्चा की, ताकि युवाओं को नौकरी मांगने वाला बनाने की बजाय नौकरी देने वाला बनाया जा सके। पापुमपारे जिले के जोटे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज से अगले 3 दिनों तक चलने वाले कल्चरल फेस्टिवल अतुल्यम 2023 की शुरुआत हुई। ईटानगर के जिला उपायुक्त तालोपोतम ने अतुल्यम का उद्घाटन किया। एनआईटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर और अतुल्यम के चेयरमैन डॉक्टर एमएम सिंह ने बताया है कि अतुल्यम फेस्टिवल का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों के कल्चरल से छात्रों को वाकिफ कराना है। उन्होंने कहा है कि 3 दिवसीय फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म शूटिंग, क्विज प्रतियोगिता, फेस पेंटिंग, मिस्टर और मिस अतुल्यम प्रतियोगिता सहित कई अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएगी। We have been every year there is a cultural event happening in NITs, and this has been termed as Atulyam. It's nothing but is a cultural fest. So in this we have been since inception NIT 2010 we have been practicing this cultural festival every year, and every year there are a lot of activities being done in order to bring a chemistry among all the students who have been coming from all across India. That is the main motive, where some sort of bonding we want to bring across all the students. Almost first day we may be having 7 events, second day also we have 7 events, third day we have 4 events. Altogether we have 18 events altogether in this Atulyam, bringing all sort of cultural mix in this Atulyam. So, and apart from that, we are also inviting artists from outside. All sort of events, including dance, music, culture. Then there are a lot of competitions regarding quiz. Then is sketching.
sketching is also there, and then the Miss and Mr. Atulium is also there. So it will be a blended mode of all sort of activities. So I'm sure, and all students will have a mixtures of cultures in this Atulium 2023. मणिपुर में एक रैली के बाद समुदायों के बीच तनाव और ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा बंद के बाद राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने मैथेई जनजाति को शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर बंद बुलाया था। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से 5 दिनों तक मोबाइल डेटा सर्विस भी बंद कर दी है। मैथेई ट्रेड यूनियन मणिपुर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर हुई कोर्ट ने 19 अप्रैल को मणिपुर सरकार को निर्देश दिया था कि वह शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने की रिपोर्ट पर जल्द विचार करे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने राज्य की स्थिति को लेकर बात की। केंद्र सरकार वहाँ के हालात पर लगातार नजर रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्थिति को नियंत्रण में लगने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री सिंह ने राज्य के लोगों से शांति की अपील की है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ड्यूरिंग द लास्ट अराउंड 24 आवर्स सम इंसिडेंट ऑफ क्लासेस वैंडलिज्म एंड आर्सन हैव बीन रिपोर्टेड इन इम्फाल, Sushantpur, Vishnupur, Kangkopi and More, etc. Precious life have been lost besides damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. Additional central paramilitary forces have been requisitioned for deployment in sensitive areas. We are committed to protect the life and the property of our peoples. In this hour, I appeal to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत किशन राव कराद ने बुधवार को ईस्ट कामेंग जिले में जिला विकास बैठक की अध्यक्षता की और जिले में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं पर हो रही अमल का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री ने पांपोली में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, वैसांग में वनधन विकास केंद्र और जिला मुख्यालय सेपा में लोकल मार्केट SBI के ब्रांच और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों, गांव बुढ़ाओं और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री मामानातुंग एवं विधायक गोरुंग पोर्दुक तथा तापुक ताकू भी केंद्रीय मंत्री के साथ थे। शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक गोवा में आयोजित होगी। पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्री बैठक में भाग लेंगे। भारत ने पिछले वर्ष सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। संगठन के सदस्यों में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज चीन के विदेश मंत्री क्विन गांग और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कल गोवा में होने वाली है और आज उसके लिए जो सदस्य देश के विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ जो अन्य देश हैं उनके भी विदेश मंत्री जो हैं वो गोवा आ रहे हैं। उसके साथ ही कल जो मीटिंग होने वाली है उसके एक दिन पहले यानी कि आज कई बायलैटरल मीटिंग्स भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने काउंटर पार्ट्स के साथ करेंगे जिसमें चाइना, रशिया और उज्बेकिस्तान है। उसके साथ ही एक बायलैटरल मीटिंग SCO के सेक्रेटरी जनरल के साथ भी होगी। भारत ने पिछले वर्ष सितंबर में SCO समूह की अध्यक्षता संभाली थी जो इस वर्ष बैठक की मेजबानी कर रहा है। समूह के सदस्यों में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक 5 मई को गोवा में होने वाली है जिसकी तैयारी दक्षिण गोवा में चल रही है।
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर SCO एक बेहद ही अहम संगठन है जिसमें विश्व की 40% आबादी रहती है और ग्लोबल GDP का 30% हिस्सा SCO देशों से आता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत ने बार बार टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, उसके साथ ही इलिसिट ड्रग ट्रेड जैसे मुद्दों को SCO के मंच पर उठाया है। चूँकि रीजनल तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर SCO देश बहुत ही अहम है जिनमें यूरेशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया समाहित हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, गोवा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार चलाए जा रहे कानूनी जागरूकता और कानूनी साक्षरता अभियानों का सकारात्मक असर हुआ है। उन्होंने अपने कानून मंत्रालय के तहत आने वाले नया विभाग के कामकाज पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि विभाग के अच्छे कामकाज के कारण लोगों को न्याय पाने के संबंध में जरूरी सूचना मिलने से पहले अधिक आसान हुआ है। हालांकि उन्होंने विभागीय अधिकारियों की ओर से तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया। जो हम लोग ने पिछली बार जो पैन इंडिया लीगल सर्विस, जो हमने लिटरेसी लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, उसमें मुझे लगता है कि देश भर में कभी भी हमारे विभाग से इतना पहुंच हमने देखा नहीं है। अब हाई कोर्ट में मैं जाता हूँ, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जब जजेस मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपके लेवल में इसका प्रभाव क्या है, तो वो लोग भी बताते हैं कि चाहे हमारे नालसा का कैंपेन हो, चाहे अन्य विभाग का जो हमारा लक्ष्य हमने तय किया है, उसके हिसाब से जितना भी हमने काम किया है उसका प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन उसको दायरा को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो दिशा का कंसेप्ट ही ऐसा है कि आम लोगों को तुरंत न्याय कैसे दिलाया जाए, तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉम्प्ट होना चाहिए। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी समस्या ऐसा नहीं है कि जिसका हल नहीं कर सकता है। पहले तो जो मुख्य मुद्दा है वो तो कहीं और रह जाता है, प्रक्रिया ही इतना तकलीफ होता है कि ये लोग प्रक्रिया में फंस जाते हैं। उसका जो सिस्टम है, ऑफिशियल लोगों तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है, अच्छा हमारा ऑफिसर भी तो फाइलों में इतना व्यस्त रहते हैं और सरकार का इतना लक्ष्य है, दबाव रहता है कि हम लोग मंत्री लेवल से अलग अलग लेवल से दबाव होता है, तो सारा ऑफिसर्स कर्मचारी तो बिजी होते हैं कि वो रेस्पॉन्ड करने में, तो आम आदमी को टाइम नहीं दे पाते हम लोग। तो ये मेरे विचार से जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने में आए हैं, इसके माध्यम से आम आदमी अपने आप एक्सेस करके इसका सरल तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो न्याय लंबित है, जैसे भी है, उसको वो हल कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बेटी इबू लोलेन संयुक्त अरब अमीरात UAE के अंजमान में आयोजित 21वीं एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही है। इबू लोलेन की इस सफलता पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इबू को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जीत ऐसे कई युवाओं को प्रेरित करेगी जो रेसलिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं। तवांग के विधायक सेरिंग ताशी ने आज ओल्ड मार्केट तवांग के पास लहाइंग कुंटू सांगमो चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तवांग के जिला उपायुक्त KN दामो, SP बोमगा कामदुक, जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। WWA तवांग की पहल से इस पार्क का निर्माण कार्य कराया गया है। विधायक सेरिंग ताशी ने कहा है कि इस पार्क से स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ होगा। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। यह देश का पहला रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र है। यह केंद्र एम्स के छात्रों, फैकल्टी और नर्सिंग स्टाफ को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग देगा। देश के दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर भी यहाँ ट्रेनिंग ले पाएंगे। इसमें आने वाले दिनों में सर्जरी की वेटिंग लिस्ट 4 गुना कम हो जाएगी। छात्रों और नर्सिंग स्टाफ को सर्जरी का प्रशिक्षण देगा। एम्स देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यहाँ एम्स के अलावा दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर भी रोबोटिक सर्जरी के प्रशिक्षण ले सकेंगे। इससे देश भर में रोबोटिक सर्जन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। टर्नओवर टाइम पेशेंट का बहुत बढ़ जाता है। एक तो पेशेंट की जो सर्जरी ओपन होती है, बड़े चीरे लगते हैं उसमें, वो बच जाता है। चीरे के साथ साथ इन्फेक्शन की प्रोन, एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट, बहुत दिन तक पेशेंट बेड पे पड़ा रहे अस्पताल में, वो सारी चीज़ें पार्सल सिर्फ इंसिजन की वजह से हैं। अंदर की सर्जरी जो रोबोटिक से होती है या लेप्रोस्कोपी से होती है या ओपन से होती है, वो सेम है। इसलिए जो इतना बड़ा एक हम शॉर्ट कर रहे हैं पीरियड हॉस्पिटलाइजेशन का, उससे हमारी देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। एम्स की वेट लैब में मेडिट्रॉनिक कंपनी के साथ मिलकर रोबोट लगाए गए हैं। रोबोटिक सर्जरी के जरिए सर्जरी में लगने वाला समय कम किया जा सकेगा। इसके माध्यम से शरीर के उस भाग में भी आसानी से सर्जरी की जा सकेगी जहां मानवीय स्तर पर करना काफी कठिन होता है। रोबोटिक सर्जरी से जहां सर्जरी की गुणवत्ता में सुधार आएगा, वहीं सर्जरी में लगने वाली लंबी चीरों को भी कम किया जा सकेगा। रेसिडेंट्स डॉक्टर्स को यहाँ पे खास ट्रेन करते हैं सिमुलेशन में, ताकि वो जाके पेशेंट्स में बेटर सर्जरी कर सकें और वो बेटर प्रिपेयर्ड होके जाएं सर्जरी में। सिमुलेशन आजकल बहुत बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि पहले क्या होता था कि सर्जरी हम अपने मरीजों पर ही पहली बार करके सीखते थे। इस फैसिलिटी से क्या होगा कि हम कैडेवर पे या एनिमल टिश्यू पे प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, ताकि जो एरर के चांसेस होंगे मरीजों के ऊपर वो कम होगा। The robotic system, first of all, is going to focus on surgeries, performing surgeries more safely, more effectively, more efficiently. I think when you look at the continuum of surgery, it starts from an open procedure, which is very invasive for the patient, to minimally invasive, where we're using small pinholes to look inside, to now remote surgery. And so higher precision, higher, better outcomes, and also safer for the patient. ईस्ट सियांग जिले के मुख्यालय पासीघाट में स्थानीय पुलिस ने इंस्पेक्टर अब्राहम ताइंग की अगुवाई में इनर लाइन परमिट चेकिंग का विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में इनर लाइन परमिट के बगैर पासीघाट टाउनशिप में पकड़े गए कुल 50 लोगों को कानूनी कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बाहर कर दिया गया। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।